हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा सिलेबस, अगर आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सिलेबस एक बार जरूर देखिए। 150 प्रश्न यानी 150 अंक पूछे जाते हैं। पहला है कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, 20 प्रश्न 20 अंक रहने वाला है। इससे क्या क्या है देखेंगे। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस जगह किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, साथ ही साथ कंप्यूटर के भाग कौन कौन से प्रमुख भाग है, जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। इसी के साथ प्रिंटर के प्रकार, कितने प्रकार के प्रिंटर है, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रिंटर, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या है, MS डॉक्स, कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग लायक सामान जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी होना चाहिए, इंटरनेट के उपयोग क्या क्या है, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभाग की वेबसाइट की समान जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की समान जानकारी। इसके बाद है मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट समान इसकी जानकारी, CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी। इसके बाद है लास्ट है गूगल असिस्ट, यूट्यूब सामान्य जानकारी, इसकी सर्चिंग इंजन और कैसे इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से जो कि कंप्यूटर संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी साल नहीं हर साल जो कि जितने बार होता है यह पूछे जाते हैं। इसके बाद है भाग दूसरा, हिंदी व्याकरण से 10 प्रश्न, स्वर व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण किया, विश्लेषण कारक, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन, विसर्ग, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोठा और व्याकरणी अशुद्धियाँ, शब्द रचनाएं, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तस्मय, तद्भुत, तत्सज्जी, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेयार्थी एवं अनेक शब्द की एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसके बाद है अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाग दूसरा का ही है, सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल अंग्रेजी, जनरल ग्रामर से 10 प्रश्न के 10 अंक, फर्स्ट यूनिट से देखेंगे जो कि नाउन, जेंडर, साथ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव वर्ब, और इसके बाद है यूनिट दूसरा में एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, और तीसरा में है वोकैबुलरी, सिंटोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, इसका जो कि राइट बनाना है। अब है हमारा नेक्स्ट है गणित भाग दूसरा का, ये भी है 30 प्रश्न के 30 अंक पूछे जाएंगे। इकाई एक में है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय, मतलब वास्तविक संख्याओं का आधारित संख्याएं और संख्याओं का वर्ग, घन, गुणन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम, महत्व समर्पणक एवं लघु समर्पणक, विभिन्न संख्याओं की उनकी संख्या, औसत, चाल, समय, दूरी। इकाई दूसरा में है बीजगणित, बीजगणित के मूलभूत नियम जो कि संख्याएं 1, 2, 4 वाले रैखिक, औसत, चाल एवं समय, दूरी। इकाई तीन में है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय मूल, लाभ हानि, साधारण ब्याज, और इकाई चार में है रेखा एवं कोण, त्रिभुज, वृत्त एवं गोला, बेलना, शंकु, घन, घनाभ। तो गणित से कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। और इसके बाद है भाग गा 15 प्रश्न की 15 अंक पूछे जाएंगे जो कि सामान्य मानसिक योग्यता से तर्क शक्ति से पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न की 15 अंक तर्क संबंध जो भी है यह पूछे जाएंगे, जैसे अक्षर का मिलान, भाषा, छुपी हुई गणितीय संख्याओं से मिलान, विभिन्न जो कि प्रकार से पूछे जाते हैं। और इसी का गा का है तीसरा का है भाग तीसरा का है सामान्य ज्ञान, 35 प्रश्न 35 अंक के पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से पूछे जाएंगे जो कि मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक प्रधान, संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्ति, लोकतंत्र, लोकसभा, राज्यसभा, और भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से, जैसे ऐतिहासिक
क्योंकि 10वीं लेवल से ही पूछे जाएंगे। 1857 से 1947 के बाद की घटना के बारे में और 1947 के बाद से घटनाक्रम के बारे में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ भूगोल से भी है, 10वीं लेवल का जो कि रहने वाला है भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, और भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे, जैसे सामाजिक अर्थव्यवस्था, विकास, जनसंख्या, प्रत्यक्ष संकाय, राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, जितने भी हैं अर्थव्यवस्था से ये 10वीं लेवल के स्तर से पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से है 10वीं लेवल, जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से, जो कि संबंधित मूल जानकारी पूछे जाएंगे। इसके बाद है सा है समसामयिक की घटना, खेलकूद, देश विदेश, 15 प्रश्न के 15 अंक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कि करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। और लास्ट है दा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 प्रश्न के 15 अंक रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, योजनाएं, पुरस्कार, परंपरी, महत्वपूर्ण व्यक्ति, छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी हैं महत्वपूर्ण विषय यह पूछे जाएंगे। तो 150 प्रश्न के 150 अंक रहने वाला है। और जल्द ही आप लोग को इस साल के मतलब होने के बाद वैकेंसी अगले साल फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। तैयारी नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल तैयारी कीजिए। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।